An ill-fated vessel overloaded with 750 migrants on board sunk off the coast of Greece this past week on Wednesday. Well, hundreds of people are still missing following the tragedy, and many of them are believed to be from Pakistan. Main focus for Europe at the moment is to stop the migration flow and to set more control on the border. Some Indians take off their clothes. That's why the cold is causing 8 to 10 people in front of us to die. I was very shocked when I found out that in 2023, Serbia you can come only with Indian passport. If you have Indian passport, then you have to visa. Serbia पहली यूरोपियन ऐसी कंट्री थी जो 2017 से इंडियंस को बिना वीज़ा अलाउ कर दिया था और उसके बाद अल्बेनिया में ऐसे बिना वीज़ा का अलाउ कर दिया. खैर अभी तो अल्बेनिया में ई वीज़ा सिस्टम है लेकिन सर्बिया का कोई ई वीज़ा सिस्टम नहीं है. तो आपको सर्बिया आने के लिए इंडियन पासपोर्ट के साथ वीज़ा लेना पड़ेगा. लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर आप किसी यूरोपियन यूनियन कंट्री में आप रेसिडेंट हो या आपके पास मल्टी एंट्री या डबल एंट्री सेंगेन वीज़ा है या फिर आपके पास यूएस कनाडा या यूके का वीज़ा हो या रेसिडेंस परमिट हो तो आप आराम से आ सकते हो सर्बिया बेलग्रेड घूमने. सो इंडियन पासपोर्ट का थोड़ा सा ना रैंकिंग जो है पिछले साल से इस साल थोड़ा डाउन हो गया है. वैसे मैं 2022 में सर्बिया घूम के आ गया था यार. बहुत ही मस्त ट्रिप था. सर्बिया बहुत ही अमेजिंग है. लोग काफ़ी हॉस्पिटेबल हैं. फूड भी बहुत अच्छा है. सस्ता कंट्री है. 2022 में तो खैर वीज़ा की ज़रूरत था ही नहीं. मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था. एक्चुअली सर्बिया और इंडिया का काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा है हिस्टोरिकली. आई लाइक बॉलीवुड. आई रियली लाइक देयर कल्चर एंड एवरीथिंग. India. Yes. But we live friend. In yeah. India. Serbia. Yes. Serbia पहले यूगोस्लाविया का पार्ट था और यूगोस्लाविया इंडिया इजिप्ट ये सब कंट्री मिल के एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री बनाए थे. मतलब जब कोल्ड वॉर का सिचुएशन था तो कुछ कंट्री जैसे थे जो रसिया के सपोर्ट में थे, कुछ कंट्री जैसे थे जो यूएस के सपोर्ट में थे, लेकिन इंडिया यूगोस्लाविया जैसे कंट्री वो अपने में रहे तो इसीलिए उन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला जाता है. तो ये हिस्टोरिकल रिलेशनशिप्स के चलते सर्बिया ने इंडियंस को वीज़ा फ्री अलाउ कर दिया था 2017 में और इससे मतलब इंडियन टूरिस्ट काफ़ी आने लगे थे सर्बिया में. तो पिछले 5 साल 2017 से 2022 तक तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट इन्फ्लक्स हुई थी. तो इंडिया का एक बॉलीवुड मूवी जो है बहुत ही पॉपुलर उरी सर्जिकल स्ट्राइक मूवी जो है वो बेलग्रेड में और काफ़ी सारे जगह पे सर्बिया में शूटिंग हुई थी. तो शूटिंग तो कहीं भी हो सकती थी लेकिन स्विट्ज़रलैंड वगैरह में भी हो सकती थी क्योंकि वहाँ की जो लैंडस्केप है, स्विट्ज़रलैंड की जो लैंडस्केप है वो कश्मीर से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है. लेकिन स्विट्ज़रलैंड में अगर ये शूटिंग करते तो शायद मूवी की बजट 4 गुना हो जाता और ये मूवी की बजट थी सिर्फ 25 करोड़. और स्विट्ज़रलैंड में कास्ट और क्रू को लाने के लिए वीज़ा का भी प्रोसेस चलता है और वीज़ा प्रोसेस आपको पता है काफ़ी लेंथी होता है. तो सर्बिया में क्योंकि वीज़ा चाहिए था ही नहीं और 30 दिन के लिए आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर आ सकते हो तो कास्ट एंड क्रू आराम से आ गया था यहाँ पे और आके मूवी वूवी शूट करके 30 दिन में वापस चले गए. तो मतलब सोचो कितना बढ़िया फ़ायदा हो रहा था दोनों कंट्रीज़ को. तो ये है कि ये सर्बिया ने ऐसा कदम उठाया क्यों? तो इसका मेन रीजन ये है कि कुछ इंडियंस इलीगली सर्बिया के थ्रू यूरोपियन यूनियन में एंट्री कर रहे थे. रिसेंटली ऑस्ट्रिया ने काफ़ी ज़्यादा ये बोला है कि सर्बिया के थ्रू हंगरी में एंट्री करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स और वो इमिग्रेंट्स आके ऑस्ट्रिया में बेनिफिट्स क्लेम करते हैं. We've seen a significant increase of Indians. We've seen a huge increase of Burundi citizens that are ending up, most of them in Belgium. And these are nationalities that very seldom will get asylum, get asylum in European Union. Generally, जो illegal immigrants और migrants हैं, वो अफगानिस्तान, सीरिया, लिबिया, ये सब जैसे कंट्रीज से हैं. This Syrian man and his family have tried several times to make the crossing. 4 times. इनफैक्ट पाकिस्तान से भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना इस टाइप के आते हैं. अभी रिसेंटली ग्रीस के कोस्ट पे भी मतलब एक शिप डूब गई थी, उसमें 400 पाकिस्तानी लोग थे. जनरली यही सब कंट्रीज से जो इकोनॉमिकली मतलब ख़त्म हो चुके हैं जो कंट्री, तो वो कंट्रीज से लोग आते हैं यूरोपियन यूनियन में इलीगल तरीके से. उसमें इंडियंस कुछ हैं लेकिन इंडियंस का नंबर इतना ज़्यादा नहीं है. लेकिन यूरोपियन यूनियन का प्रेशर पे आके सर्बिया ने ये हार्श कदम उठाया है. तो दिस इज़ अ वेरी सैड थिंग. आई एम रियली रियली सैड डिसअपॉइंटेड. सर्बिया मेरा एक फेवरेट कंट्री में से एक है. मेरा बस ये रिक्वेस्ट है
कि ये आप जो डोंकी मारते हो ना, जो इलीगल तरीके से आप घुसते हो ना यूरोप में, प्लीज़ ऐसा ना करें। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के लगभग 300 लोग मौत के घाट पे उतर आए, क्योंकि वो लोग इलीगली सी रूट से यूरोप में एंट्री कर रहे थे। पाकिस्तानी अथॉरिटीज एस्टिमेट दैट अराउंड 300 फैमिलीज हैव बीन अफेक्टेड। जो इलीगल इमिग्रेशन होता है ना, इसके तहत बहुत लोगों की मौत भी हो जाती है, काफ़ी रिस्की है, और लोग तो लाख लाख खर्चा करते हैं इलीगल तरीके से आने में। यार आप लीगली वर्क परमिट निकालो, अगर आप कहीं काम करना चाहते हो तो कहीं, अगर आपको जाना है तो आप स्टूडेंट के हिसाब से जा सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूरोप में जहाँ पे फ्री में भी एजुकेशन मिलता है, तो आप वहाँ पे स्टूडेंट्स के हिसाब से आ सकते हो और पढ़ाई करते करते जॉब कर सकते हो। आई थिंक दैट इज़ अ बेटर वे। तो मैं भी यहाँ पे जैसे आयरलैंड में हूँ, मैं पहले जर्मनी में स्टूडेंट था, तो उस टाइम मैं भी मतलब ऐसे स्टूडेंट के हिसाब से आया, फिर जाके यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो टू बी ऑनेस्ट कि इलीगल तरीके से बहुत कम लोग आते हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम लोग आते हैं, मतलब कुछ 1000-2000 ऐसे टाइप के लोग होंगे, लेकिन इन्हीं कुछ लोगों के चलते अब बाकी इंडियंस को भी मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करना पड़ रहा है। मुझे डिपोर्ट किया जा रहा है वापस, पता नहीं उनको क्या चाहिए था, कितनी मुश्किल से एंट्री मिली, मैं तो उम्मीदें ही छोड़ दी थी, मेरे आगे 7 इंडियंस को डिपोर्ट कर दिया गया। इंडिया से ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मतलब कुछ होते हैं ना 1000-2000, इनके कारण बाकी लोगों को दिक्कत होती है जो लीगल तरीके से जाना चाहते हैं।